सोनाली फोगाट और रूबीना दिलनायक, इन दोनों का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक शुरुआत ऐसे हुई है जैसे न जाने कोई चीज जो है, जो भी इनके आसपास से गुजरता है वो इन दोनों को भिड़ाने के लिए ही गुजरता है। क्या है माजरा, क्यों हुआ फिर से झगड़ा, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं गुरुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। दरअसल बिग बॉस के घर में आज वीकेंड का वार जो है वो शूट होने वाला है, और वीकेंड के वार पर जिस तरीके से आपको पता ही है कि हर कोई फ्राइडे को तैयार होता है। अब घर में कल एक टास्क हुआ था कैमरा वाला, कैमरा छुपाने वाला, जिसमें राहुल वैद्य जो है उन्होंने कैमरा ढूंढने की वजह से सब चीजें जो है वो ऊपर नीचे कर दी थी। रूबीना दिलनायक का एक स्पॉन्ज है, मेकअप स्पॉन्ज, जो कि वो LA से लेकर आई है, और वहां से उनको वो काफी ढूंढा तो उन्हें नहीं मिला। तो अभिनव बैठे हुए थे, रूबीना थी, रूबीना बोल रही थी कि अरे यार वो मैं LA से लेके आई हूँ, कहाँ है वो, मिल नहीं रहा। तो सोनाली फोगाट दरअसल वहीं खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर अभिनव जो है वो कहते हैं कि लोगों के अंदर बड़ी चुल होती है, लोग बड़ी मतलब इस तरह से हरकतें करते हैं। उनका अंदाज जो था वो कहने के लिए राहुल वैद्य के लिए था, लेकिन सोनाली जी को चुभ गई, क्योंकि सोनाली को ये लगा कि ये बात उनके बारे में कही जा रही है। जिसके बाद में सोनाली जी एक बार फिर से बिफर जाती है, एक बार फिर से भड़क उठती है और रूबीना दिलनायक को बार बार बोलने लग जाती है कि तू LA से लेकर आई हो, चाहे तू लंदन से लेकर आई हो, चाहे तू मंगल बाजार से लेकर आई हो, चाहे तू लोकल मार्केट से लेकर आई हो, कहीं से भी लेकर आई, तू मुझे क्यों सुना रही है। अब खैर ये बातें जो है फिर से वापस से बढ़ने लगी। अक्षय खान एज यूजुअल अपने आग लगाने का काम उन्होंने कंटिन्यू किया, जिस पर सभी ने उन्हें समझाया कि अक्षय मत कर, आज वीकेंड का वार है, सबकी लंका वैसे ही लगती है, मत कर। तो हर कोई कहीं ना कहीं जो है घर वाले को भी लगा कि यार क्यों मुद्दा बनाए, सब चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या है आप लोगों की राय, क्या ये झगड़ा एक्चुअली में इतना बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा हो चुका है, राय कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।